एंड फाइनली दोस्तों निशांत मलकानी की जर्नी यहां पर समाप्त होती है। आगे है होस्ट है दोस्त राहुल बोझ लेकर ये जरूरी बात कि डबल इविक्शन बोल बोल के हमारे जहन को हिलाने वाले बिग बॉस ने दोस्तों फाइनली एक डिसीजन लिया और बोल दिया कि ऑडियंस का फैसला आने वाला है और हम लोग जो है वेट कर रहे हैं। सो बेटर है कि घर वालों आप भी अपना इंटरेस्ट बता दो कि आपको क्या करना है। सो 8 लोगों को ये पावर दी जाती है दोस्तों कि वो कन्फेशन रूम में जाकर वहां जाकर नाम बोल दें और प्लस रीजन बता दें। तो ऐसे में यहाँ पे बीइंग एन ऑडियंस सब लोग डिसाइड करते हैं निशांत, जिसमें से 8 में से 7 तो निशांत बोलते हैं लेकिन एक जो है कविता कौशिक बोलती है जो कि नैना बोलती है। और रीजन यही है कि वो बोलती है कि ये जब अपनी फ्रेंड की नहीं हो पाई तो वो दर्शकों को अच्छा नहीं लगा होगा, जनता को अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन बाकी के सारों के लगभग सेम व्यू पॉइंट है कि वो बहुत बोरिंग हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, बोर है, अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखा पा रहा है और फाइनली निशांत मलकानी घर से बेघर हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं कि गेम में क्या मजा आएगा दोस्तों। अब डेफिनेटली 4 तारीख को तो एलिगोनी आ रहे हैं तो जैस्मिन तो अब उछल कर एकदम अलग जाने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। और प्लस अब एलिगोनी शो के फैक्टर को और बढ़ाएंगे, होप सो वो सिर्फ टास्क ही ना करें और थोड़ा सा माइंड गेम्स भी खेलें। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निशांत के इस बिग इविक्शन को लेकर आपको क्या है कहना, यस बताइए, फेयर और अनफेयर सारी चीजें, राइट? एंड बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। चलता हूँ, कमेंट अवश्य करें।